रव्या राम कैसे खरीद लिया हमको पता नहीं है। ये जीवों के लिए बाबा जी जान की बाजी लगाता है, तुमको छुड़ाता है काल से, काल बड़ा जबरदस्त है। मन के धन को मत माटी में रो।
I
विनोद आना, जॉनी आना यार। Yeah.
तम साथ तेरा, साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू नाम ला, एक दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या है, एक तेरा। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। नाजर नाजर जिंदा राम, धन धन सदगुरु, परम संतों के न्यारे राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम, नूरो नूर रूहानिया जिंदा डंडा राम, जिसको सदगुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सदगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ता जाए, और जो ना हो सके तो अपने मन में पछतावे और यत्न करता रहे, किसी के समझाने का इरादा ना करे, समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सद्गुरु की आज्ञा में बरतना तो तीर्थ है, यह मन बतौर मस्त हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है, जंगल के हाथी के लिए हाथीवान दुरुस्त करने को जरूर है, इस मन रूपी हाथी को सदगुरु जरूर है, जब तक सदगुरु का अंकुश उस पर नहीं होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं करेगी, इस जीव को यदि परमपद की चाह है तो सदगुरु करना जरूर है, बिना सदगुरु के कभी परमपद हासिल नहीं होगा, इस वचन को सच्चा मानो नहीं तो चौरासी जाओगे। संत सदगुरु का मत सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है, और जो रचना सतलोक में है वह भी सत और उसका रचने वाला सत पुरुष भी सत है, जो संत या फकीर है वे जाते खुदा यानी स्वरूप मालिक।